वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो डेमो दिखाता हूँ। इस डेमो को देखने के बाद मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है और ये वीडियो किस बारे में है। ओके, आपने ये दोनों डेमो देखे। यहाँ पे देखना कि आपने यहाँ पे मैंने एक ट्रेलर टाइप का वीडियो लगाया था, एक मैंने यहाँ पे कुछ अलग टाइप का वीडियो था, मतलब इंट्रो टाइप का वीडियो था। अब इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको अगर आप कंप्यूटर में एडिट करते हो तो आपको अच्छी खासी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे वाटरमार्क ना हो। मोबाइल में एडिट करते हो तो मोबाइल में एडिट करने के लिए आप कई सारे एप्लीकेशन को इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने के लिए। अगर बोलूँ कि आप ये वीडियो एडिटिंग करके अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हो तो आप लोग बोलोगे यार क्या ही बकवास कर रहा है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मैं सीखूंगा, इतना टाइम लगाऊंगा, उसके बाद मैं एडिट करूंगा। तो मुझे पता है सीखना बहुत कम लोग चाहते हैं, बट फिर भी मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ और उस प्लेटफॉर्म पे इस टाइप के वीडियोस को आज चुटकी में एडिट कर सकते हो। चुटकी में जस्ट सेकंड के अंदर आप इस टाइप के वीडियोस को एडिट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और बहुत ही मस्त प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ओके, अब देखो जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं ना वो वीडियो को पूरा देखें। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मेनली बोल रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मैंने बहुत अच्छा सीरीज यहाँ पे लेके आया हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो अपलोड कर रखी, जहाँ पे अलग अलग तरीके मैंने बताए कि कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। उन सारी वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सिंपली क्लिक करके जाकर देख सकते हो। वेल, बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये एक बहुत ही यूनिक और नया तरीका है, और उसको बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको दो प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा, और आप उन दोनों प्लेटफॉर्म को कंबाइन करके बहुत ही अच्छी खासी वीडियोस आप बना सकते हो। इस टाइप के वीडियोस काफ़ी आसानी से बना सकते हो और इस टाइप के वीडियोस को आप सेल कर सकते हो काफ़ी महंगे दामों में, बहुत ही आसानी से। ठीक है, बस आप वीडियो को देखते रहो। तो पहले आपको आना है अपने एक ब्राउज़र पे, यहाँ पे आपको सर्च करना फ्लेक्स क्लिप। क्या सर्च करना है? फ्लेक्स क्लिप, हो सकता है इसके बारे में कुछ लोग जानते हो, बट आप लोग पूरी अच्छी तरीके से शायद नहीं जानते। मैं अपना मैक्सिमम वीडियो इसी प्लेटफॉर्म से एडिट करता हूँ आज, मतलब इस टाइम पे मैं अपना वीडियोस यहीं पे एडिट करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरे सारे वीडियोस एडिट हुए पड़े, यहाँ पे देख सकते हो मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको आना है टेम्पलेट वाले सेक्शन पे। आपको सिंपली अपना जीमेल अकाउंट और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जीमेल अकाउंट डाल के। इस पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के टेम्पलेट दिए हुए हैं, आप टेम्पलेट्स पे आओगे। टेम्पलेट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल पे आओगे, यहाँ पे पर्सनल स्टेट लाइक बर्थडे चाहिए, वेडिंग, एनिवर्सरी, बेबी, फैमिली, ट्रेवल, मेमोरियल, फेयरवेल, व्लॉग्स, स्लाइड, कोट्स, इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब टेम्पलेट्स क्या होता है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। बिजनेस सर्विसेज पे आओगे, यहाँ पे देखो इतने सारे यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिलते हैं बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड। क्रिएटिविटी पे आओगे तो इंट्रो आउट्रो, आप इंट्रो आउट्रो बना सकते हो, ट्रेलर बना सकते हो, देखो मैंने यही से ट्रेलर बनाया था, म्यूजिक वीडियोस, फोटोग्राफी, मूवीज, न्यूज़ एंड मूवीज, गेमिंग, पोर्टफोलियो, मीम। उसके बाद सोशल मीडिया पे आओगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, इस टाइप के वीडियोज़ आप बना सकते हो। कम्युनिटी पे आओगे तो यहाँ पे इस टाइप के आप यहाँ पे वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हो। सिंपली मैं आपका क्रिएटिव पे और ट्रेलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे ट्रेलर से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे वॉइस है, मैं वॉइस ऑन नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हो, NCS सर्च कर सकते हो, वहाँ पे कॉपीराइट एंड फ्री म्यूजिक आपको मिलते हैं जो कि आप जिस वीडियो में चाहो उस वीडियो में लगा सकते हो। ठीक है, अभी मैं देखो अलग अलग टेम्पलेट दिए हैं, सिंपली क्या करना है जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। लाइक मुझे ये वाला जो है एडिट करना है, ये एक टाइप का मेरा वीडियो का बोल सकते हो टेम्पलेट है। कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे इसको कट करते हैं। इस टाइप के कुछ पेज भी आप आ जाओगे, बस आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे आपको मिलेगा। सिंपली आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, सिंपली आपको जैसे आप कैनवा में एडिट करते हो ना, सिंपली टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ये सारे इफेक्ट्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे।
तो सिंपली देखो यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपको टेक्स्ट एडिट करना है। सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेम वीडियो, नहीं मैं गेम वीडियो क्यों लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा एडियो एक्सप्रेस, ठीक है इस टाइप का मैंने लिखा। यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो, यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो, इसको आप एडिट कर, सिंपली आपको चेंज करना है देख सकते हो अलग अलग टाइप्स। अच्छा मैं ये बैकग्राउंड वीडियो हटाना चाहता हूँ, मैं वीडियोस पे जाऊँगा, या तो मैं खुद का अपना वीडियो यहाँ पे कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना वीडियोस के अलावा मैं दूसरे का वीडियो लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे वॉइस को कर लेता हूँ डिक्रीज, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑन करते हैं वीडियो को। अब देखो यहाँ पे मेरा वीडियोज यहाँ पे बैकग्राउंड में चेंज हो चुका है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का वीडियो। कहने का मतलब ये है कि ये टेम्पलेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप टेम्पलेट बेस्ड चीज़ों को एडिट कर सकते हो बहुत ही आसान। यहाँ पे देखो इतने सारे यूनिक यहाँ पे टेम्पलेट दिए हुए हैं गाइस, आप इन टेम्पलेट को आसानी से एडिट कर सकते हो। अच्छा भैया मैंने एडिट तो कर लिया, अब करना तो क्या है ये तो बता दो। करने के लिए सिंपली आपको मैं फिर से बोलूँगा, आपको आना है प्लेटफॉर्म जिसका नाम है fiverr.com, ठीक है। इसके अलावा भी मैं एक दो और प्लेटफॉर्म बताऊंगा, fiverr.com पे आना है, fiverr.com पे। अच्छा मैं fiverr.com के बारे में हमेशा क्यों बताता हूँ, और भी सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, fiverr.com का जो इंटरफेस है थोड़ा इजी है और यहाँ पे समझना आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे आना है, आपको सर्च करना है इंट्रो, मैं बस आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सर्च करना, सपोज आप इंट्रो वीडियो बनाते हो। अब देखो ये बंदा इंट्रो वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये बंदा जो है इंट्रो वीडियो बना रहा है, और कितना चार्ज कर रहा है 17,537। ओ माय गॉड व्हाट द हेल मैन, इतना ज़्यादा चार्ज कर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बंदा देखो ट्रेलर टाइप का कुछ ऐसा इंट्रो एनिमे इंट्रो वीडियो बना रहा है। इस टाइप के इफेक्ट आपको आसानी से फ्लेक्स क्लिप में मिल जाएंगे, इस टाइप के इंट्रोज आप बना सकते हो काफ़ी आसानी से, ठीक है। इस टाइप के इंट्रोज यार ये तो दाएं बाएं हाथ का खेल है। अब देख सकते हो यहाँ पे देखो ये बंदा 3,000 रुपये चार्ज कर रहा है और ये टाइप के इंट्रोज वगैरह बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस टाइप के ये वीडियोज लगाया हुआ है, इस टाइप के इंट्रोज आप बना सकते हो आसानी से। इससे अच्छा अच्छा आप इंट्रोज बना सकते हो फ्लेक्स क्लिप की मदद से। आप एक बार फ्लेक्स क्लिप को एक्सप्लोर करोगे तो आप वहाँ पे अमेजिंग इंट्रो बना सकते हो, पहली चीज। दूसरा चीज़ फ्लेक्स क्लिप के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने यहाँ पे फ्लेक्स क्लिप का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। यहाँ पे मुझे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यहाँ पे AI पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो इतने सारे AI से रिलेटेड फीचर्स भी इस पे मिलते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो। लेना ना लेना वो आपके ऊपर है, मैं बस इसका फीचर्स बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे AI टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट कर सकते हो, वीडियो स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ब्लॉग आप कोई लिखे हो या कोई ब्लॉग है उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, इमेज जनरेशन इस्तेमाल कर सकते हो, AI टेक्स्ट टू स्पीच इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रांसलेटर, AI ऑटो सब टाइटल, AI बैकग्राउंड, इसके अलावा आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। अच्छा अगर सब्सक्रिप्शन नहीं ले तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप 1080p वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये वाला वीडियो है ना, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे, सपोज आपने यहाँ पे वीडियो एडिट की, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे गए और यहाँ पे आप 1080 तक के वीडियोज आसानी से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्लेक्स क्लिप का लोगो आएगा, तो फ्लेक्स क्लिप का लोगो हटाने के लिए सिंपली आप इस वीडियो को थोड़ा जूम आउट कर सकते हो, आप किसी और एडिटर में, एक वीडियो एडिटर जिसका नाम है क्लिप चैम में जाओगे आप, मान लो यहाँ पे आपका लोगो आ रहा है, सिंपली क्या करोगे इस वीडियो को थोड़ा सा और ऊपर कर दोगे, ठीक है। इसी टाइप से वीडियो एडिट करके आप सिंपली सा अच्छा खासा एक इंट्रो डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप प्रोफेशनल बेसिस पे काम करना चाहते हो तो मैं ये बोलूँगा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, ठीक है, सीरियसली काम करना चाहते हो तो। अब इस टाइप के इंट्रोज वीडियो आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आपको माइक्रो तरीका बताया जिसका नाम है इंट्रो। आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के, लाइक आपको ट्रेलर वहाँ से डिजाइन करना है, ट्रेलर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। मैंने अभी ट्रेलर सर्च किया, अब देखो ये बंदे ट्रेलर यहाँ पे बना रहे हैं, ट्रेलर वीडियोस यहाँ पे देख सकते हो बना रहे इस टाइप के कुछ। यहाँ पे देखते हो 3500 यहाँ पे चार्ज कर रहा है, ये बंदा 7000 चार्ज कर रहा है, जो कि इस टाइप के ट्रेलर आप दाएं बाएं हाथ से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रेलर, तो आप भी इस टाइप की यहाँ पे अपना खुद का गिग बना सकते हो fiverr.com पे, और आप इस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। फ्लेक्स क्लिप यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, आप उन सारे टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करके आप अलग अलग 7-8-10 गिग जितने भी गिग बनते हैं वहाँ पे, उन सारे गिग को बना सकते हो, प्रोमो वीडियो बना सकते हो, ऐड वीडियो को वहाँ पे गिग बना सकते हो, और आप सिंपली यहाँ से वीडियो एडिट करके सिंपली वहाँ पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ये भी जाके आप फ्लेक्स क्लिप को एक्सप्लोर करो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है गाइस, मेरे दिमाग में भी आया था मैं भी यहाँ से फ्रीलांसिंग करूँ, बट मेरे पास उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये काम कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप फाइवर के अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स है, लाइक upwork.com है, सिंपली आप अपवर्क पे चले जाओगे, ठीक है। अपवर्क पे भी आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद और भी प्लेटफॉर्म्स है, लाइक freelancer.com है, ठीक है, आप उस पे भी जा सकते हो और वहाँ पे भी अपने इसी टाइप के काम कर सकते हो।
अपवर्क पे आओगे, सिंपली आप यहाँ पे जो भी अपना अकाउंट वगैरह बना लोगे, ठीक है, ये अपवर्क हमारा, अपवर्क पे आओगे। उसके बाद Etsy.com है, उस प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो, ठीक है। ये सारे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो ये थे गाइस बेस्ट तरीका जो कि आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने जितने भी तरीके बताए सारे नए तरीके थे और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर थे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जितने भी मैंने तरीके बताए अगर आपने उन सारे तरीकों को देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और ये बताना कि आपको सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका कौन सा लगा। ओके, आप लोग चाहते हो कि मैं इस पर और भी वीडियोज़ लेके आऊँ तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं और भी तरीके ढूंढूंगा स्टूडेंट्स के लिए और आसान तरीके ढूंढूंगा स्टूडेंट्स के लिए जो कि उनकी हेल्प कर पाए। आई जेन्युइनली वॉन्टेड टू हेल्प दी स्टूडेंट बिकॉज मैंने भी बहुत सारी मुश्किलें फेस की, मैंने बहुत ही अलग अलग जगह काम किया है, और उसी के बेस पे मैं ऑफलाइन तरीका भी लेके आने वाला हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और कैसे ऑफलाइन वो लोग जॉब कर सकते हैं, कैसे ऑफलाइन वो लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अपना, स्टूडेंट या स्टूडेंट हैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम पर कहाँ पर उनको जॉब मिलेगा, ठीक है। तो वो सारे तरीके मैं आपको बताऊँगा, काफ़ी आसान तरीके हैं। हाँ, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो गाइस, ठीक है, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। मैंने महीने के 15,000-16,000 रुपये कमाए हैं पार्ट टाइम जॉब करके, पढ़ाई के अलावा भी। तो वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग चाहते हो कि वो सारे तरीकों पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, और ऑनलाइन अर्निंग्स रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये सारे वीडियो का सीरीज आपको कैसा लगा वो भी मेरे से शेयर कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग अपना रिव्यू शेयर करते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम होती है कॉमेंट बॉक्स आपके लिए, या फिर आप मुझे सिंपली डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सिंपली मुझे डीएम कर सकते हो। मैंने फ्लेक्सलिप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सिंपली आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।